हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सोशल साइंस। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, सो कल हम लोगों ने देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उन्हें हम मेनली फोर बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा था ऑरिजिन के बेसिस पर, दूसरा हमारा था एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर, तीसरा आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यहां से ये जो वर्ड हमारा ओनरशिप है इसका मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, ओनरशिप मतलब द ओनर ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेस को ओन कौन करता है उस बेसिस पर हम डिफरेंट कैटेगरीज को आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपके पास देखिए फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल। पहला आपका है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा दिया गया है कम्युनिटी रिसोर्स, तीसरा है नेशनल रिसोर्स और चौथा दिया गया है इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, अब ध्यान देंगे वन बाय वन एक एक कैटेगरी को अच्छे से ध्यान से समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन और पहला हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स जैसा कि नाम ही हमें जस्टिफाई कर रहा है, यहीं से हमको एक आइडिया हो रहा है कि इंडिविजुअल रिसोर्स मींस इंडिविजुअल मतलब एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके पास घर है, ठीक है, आपके पास बाइक है, ठीक है, आपका स्कूल है, ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो स्कूल है, जो घर है, जो बाइक है, ठीक है, आपका खेत रहता है, आपका तालाब हो सकता है, आपका स्विमिंग पूल हो सकता है, तो ये सारी जो चीजें हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू ओन की जाती है। ठीक है, वो किसी एक इंसान की होती है। तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेस होंगे जो किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू ओन किए जाएंगे, किसी एक इंडिविजुअल का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर हम आपको यहां पर एग्जांपल देना चाहें तो आप हाउस लिख सकते हो, ठीक है, फार्म लिख सकते हैं आप, इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं आप, कोई बिल्डिंग लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स में। आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, आपको केवल ये आइडिया रखना है कि कोई भी रिसोर्स किसके थ्रू ओन किया जा रहा है, ठीक है, उस पर अधिपत्य किसका है, किस कौन उसका मालिक है। ठीक है, तो ये बात अगर आप नोट रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब हो गया कि वो रिसोर्सेस जिनको कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई एक इंसान ओन कर रहा है। अब यहां पर इंसान की बात नहीं होगी, यहां पर हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो तो वो भी उसको ओन कर सकता है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद दूसरा हम देखेंगे कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप हो। ठीक है, तो एक से ज्यादा लोगों का जब ग्रुप होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज में, ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक कम्युनिटी या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल ओन कर रहा हो। ठीक है, जैसे अगर आप जाते हो तो जो पब्लिक बसेस होती है, जो सरकारी बसें, तो क्या आपको कोई एक होता है उसमें बैठने वाला, नहीं ना, कोई भी आकर के बैठ सकता है, तो वो भी क्या होगा कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा। अगर हम देखेंगे कोई पार्क वगैरह है, तो कोई पार्क है तो वहां पर किसी के नाम से तो होता नहीं हो, वहां पर सभी लोग जाकर के इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि कम्युनिटी के थ्रू ओन किए जाते हैं उनको हम कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। यहां पर आप कम्युनिटी पार्क लिख सकते हो, ठीक है, मैरिज हॉल्स हो सकते हैं जो कि सभी के लिए यूजफुल है, मैरिज हॉल्स। ठीक है, ऐसा क्लियर है। अब इसके बाद तीसरा नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स, ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेशनल रिसोर्स मतलब क्या, नेशनल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा रिसोर्स जो किसी कंट्री के थ्रू ओन किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मालिक कोई एक देश। ठीक है, तो बातें सिंपल सी है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे रिसोर्सेज जिनको कोई एक कंट्री, नेशन का मतलब क्या, यहां पर क्या होगा, यहां पर नेशन का मतलब हो गया
कंट्री, ठीक है, नेशन का मतलब कंट्री, मतलब ऐसे रिसोर्स है जिनको कोई एक कंट्री ओन कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देना चाहें तो जितने भी नेशनल टेरिटरीज होंगे, ठीक है, नेशनल टेरिटरीज उनको कौन ओन करेगा, कंट्री। ठीक है, नेशनल टेरिटरीज। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इंडिया का जो बॉर्डर है तो बॉर्डर पे बॉर्डर को कौन ओन करता है, वो हमारी कंट्री ओन करती है ना, ठीक है। तो जो बॉर्डर्स है वो भी कहां पर आएंगे, इंडिया के मतलब नेशनल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज क्या है। ऐसे रिसोर्सेज जिन पर किसी कंट्री का अधिकार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इंटरनेशनल रिसोर्स। ये क्या होते हैं? तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात जब हम करते हैं तो यहां पर ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनल, मतलब उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार नहीं होता, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें तो वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सपोज करो, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अगर आप अपनी ज्योग्राफी के बुक में उठा के देखेंगे कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज का जो एग्जांपल दिया गया है वहां पर ये बात आपको बताई गई है कि जब आप ओशन की बात करते हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज, जो वाटर है, ओशन का जो वाटर है, किसी भी कंट्री से या फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो भी वाटर बॉडी है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां पर ध्यान देना, इस तरीके से अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो नियर अबाउट 200 नॉटिकल माइल्स तक तो ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर बॉडी है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स था। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल पर्सन। फिर दूसरा कम्युनिटी रिसोर्स मीन्स ओन्ड बाय एनी कम्युनिटी। नेशनल रिसोर्स मीन्स ओन्ड बाय एनी कंट्री। एंड द इंटरनेशनल रिसोर्स मीन्स द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय वर्ल्ड, ठीक है, विच आर नॉट ओन बाय एनी इंडिविजुअल कंट्री, दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके, तो यहां तक ये हमारा जो थर्ड टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब हम लोग इस पोर्शन में हमारा जो लास्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इस बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो, पहला हमारा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज, फिर इसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज, फिर तीसरा स्टॉक रिसोर्सेज और चौथा है रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, आज हम लोग यहां तक पूरी चीजें अच्छे से ध्यान से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज, बेसिकली आप लोग इसके बारे में जानते हैं और हम जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इस टेबल को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्षमता है, ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास क्षमता है लेकिन शायद वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम उनके पूरे क्षमता का यूज नहीं कर पा रहे, उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हो चुके हैं और उनका हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टॉक मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो स्टॉक में है लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर लास्ट में रिजर्व रिसोर्सेज को देखेंगे जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। क्लियर है? तो चलिए एक बार ये तो जनरल सा एक हम कह सकते हैं कि आइडिया हो गया जो कि हम क्लास 8 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम, जैसा कि मैंने पहले कहा था, रिसोर्सेज को हम टेक्निकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये जो तीन हमारे टेबल्स दिए गए हैं, जो तीन कॉलम दिए गए हैं, लास्ट वाला एग्जांपल का कॉलम है, तो मेनली हम इन तीन कॉलम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला जो पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स, और यहां पर जो तीन हमारे कॉलम्स है जो कि अलग अलग
बेसिस पर डिवाइडेड है, पहला हमारा टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है, दूसरा विलिंगनेस है और तीसरा है एबिलिटी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है और हमारी इच्छा भी है उनको यूज करने की। बात समझ में आ रही? विलिंगनेस मतलब हमारी इच्छा है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज करें, लेकिन हम उतने एबल नहीं, ठीक है, एबिलिटी हमारी उतनी नहीं है कि हम उसे पूरी तरीके से यूज कर पाए। अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो सोलर एनर्जी का एग्जांपल दिया गया, सोलर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। कैसे? अब देखो, अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो इस पूरे अर्थ में सोलर रेडिएशन काफी मात्रा में है, पर क्या हम सारी सोलर पावर को, सोलर एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत कम एक्सटेंट में, बहुत कम लिमिट में हम उसे यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसको हम यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करते हैं ना, सोलर प्लेट्स वगैरह लगा करके हम उसके एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो है और हमारी इच्छा भी है, लेकिन हम उतने एबल नहीं कि हम पूरी की पूरी सोलर एनर्जी को यूज कर पाए। इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा डेवलप्ड रिसोर्स है, तो डेवलप्ड रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद विलिंगनेस, हमारी इच्छा भी है उसको यूज करने की और हम एबल भी है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम, हम जो पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल को चेंज करके एलपीजी निकल रहा है, पेट्रोल डीजल कैरोसिन, तो ये सारे जो ऑयल्स है हम उनको यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं, उनको हम एसेस भी कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम उनको इतने एबल है कि पूरी तरीके से जितना भी क्रूड ऑयल जहां कहीं भी मिलेगा हम उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उसे हम अपने यूज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमारा स्टॉक रिसोर्सेज ऐसे होंगे जिनके लिए ना तो कोई टेक्नोलॉजी है ना, जबकि हमारी इच्छा है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। और जब टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है तो हम एबल कैसे हो पाएंगे किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए? तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और ना ही हम एबल है, हाँ हम विल मतलब हमारी विल पावर है कि हम उसको यूज करें, लेकिन हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जांपल में वाटर दिया गया है, वाटर का मतलब जब उसको कैपिटल फॉर्मूला हम लिखते हैं तो H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग करके हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी सच टेक्नोलॉजी विच कैन यूटिलाइज दैट। ओके, सो लास्ट वन इज रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व का मतलब ये होता है ना, जैसे रिजर्वेशन करवाते हैं तो किसी भी सीट को या फिर किसी भी रिजर्वेशन जो होता है हर एक सेक्टर्स में रिजर्वेशन पाया जाता है, तो जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाले लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि वो भी उन चीजों को यूटिलाइज कर पाए। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रिजर्व रिसोर्सेज के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और विलिंगनेस, मतलब अब यहाँ पर हमारी इच्छा नहीं है उसे यूज करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास उसको यूज करने की कोई भी विलिंग नहीं है कि हम उसे यूज कर लें। अगर हम उसे यूज कर लेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगी ही नहीं, इसीलिए हम उसको रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि हमने उस रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए रोक करके रखा है। जैसे यहाँ पर वाटर डैम्स लिखा हुआ है, तो वाटर डैम्स का मतलब क्या हो गया कि जो वाटर नदियों का पानी जो है उसको हम डैम बना करके स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर आने वाले समय में उसको हम यूज कर सके, जब सूखा पड़ जाए या फिर नदियां सूखने लगे तो हम वापस डैम के पानी को छोड़ देंगे और लोग उस पानी को इरिगेशन के लिए यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये आज का हमारा कंटेंट था जिसमें हमने दो चीजें समझी। पहला तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जहां पर फोर टाइप्स के हमने रिसोर्सेज को देखा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशन एंड इंटरनेशनल। इसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में भी देखा हमारे पास चार तरीके के रिसोर्सेज थे, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा मेन टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते रहेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक इन वीडियोस को देख करके अच्छे से अपने नोटबुक में नोट्स बनाइए, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।